लालू यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम चिट्ठी लिखी तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस चिट्ठी का जवाब भी दे दिया, लेकिन चिट्ठी लिखने का यह सिलसिला रुका नहीं है। अब तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के नाम की चिट्ठी लिखी है। नीतीश कुमार के नाम की जो चिट्ठी लिखी है उसमें तेजस्वी यादव ने सबसे पहले एक तस्वीर साझा की है। उस तस्वीर में तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं और उनके हाथ में एक लैंटेन है जो कि बल्ब से जलती है, यानी कि इसमें जो रोशनी होती है वो बल्ब से होती है। और देखिए यहाँ पे बल्ब और तार जो है वो लगे हुए हैं। उसके बाद देखिए ये ऑफिशियल पेज है तेजस्वी का और उस पर जो चिट्ठी लिखते हैं हम आपको उसको बड़ी सी चिट्ठी है लेकिन हम संक्षेप में बताते हैं आपको कि आदरणीय प्रिय नीतीश चाचा जी, हालांकि लोकतांत्रिक मूल्यों एवं जनादेश का अनादर कर जनता की नज़रों में आप आदर सम्मान खो चुके हैं। जनता द्वारा जगह जगह निरंतर आपका विरोध यह दर्शाता है कि आप जनता के लिए कितने अप्रिय हो गए हैं, लेकिन मेरे लिए अब आप भी अति प्रिय हैं। जनाक्रोश की पराकाष्ठा तो यह है कि बक्सर के नंदन गाँव में महादलित ने आप पर हमला तक कर दिया जिसकी हमने कड़ी निंदा भी की और घटनास्थल पर का दौरा भी किया। हाँ तो चाचा जी आप कह रहे थे कि मेरे पिता चाहे कितने भी कोशिश कर लें जेल से बाहर नहीं आ सकते, आप उन्हें जेल से बाहर नहीं आने देंगे। आपके स्वयं को सर्वोच्च न्यायालय से भी सर्वोच्च समझकर फैसला सुनाने के पीछे कौन सी नई साजिश है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बिहार की क्या विडंबना है ये मुझे पता है। उसके बाद उन्होंने शेल्टर होम का जिक्र किया है। उसके बाद ये लिखते हैं कि हाँ जिस बल्ब और सड़क की बात करके आप कर रहे हैं ना, ये 2004 से 14 UPA 1 और UPA 2 जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी रेल मंत्री थे, रघुवंश प्रसाद जैसे ग्रामीण मंत्री थे, तो इन तमाम घटनाक्रमों का जिक्र किया है। बिहार के बारे में लिखते हैं कि 1998 से 2004 तक केंद्र में कैबिनेट मंत्री रहे, लेकिन बताएं कितनी राशि बिहार के विकास कार्य के लिए दिलवाई, ये नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया है। उसके नीचे आए तो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड को लेकर के हमला बोला गया है। उसके और आगे आए तो राजा शासन काल में बिजली के पोल और तारों पर लोग कपड़े सुखाते थे, तो आप यह मान रहे हैं कि उस वक्त करंट नहीं था, लेकिन बिहार में घर घर और गांव गांव बिजली पहुंचाने के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू हो चुका था। जरा आप बता दीजिए उस वक्त 2004 में आपकी एनडीए सरकार में देश में कुल बिजली उत्पादन क्षमता कितनी मेगावाट थी और यूपी सरकार 2014 में कितनी थी, ये लिखने की कोशिश की है। आगे लिखते हैं तेजस्वी की, लेकिन आप इसे क्या समझेंगे, जो चलाए नफरत और हिंसा के तीर वो क्या समझेगा बिहार की पीड़, ये लिखते हैं। आगे लिखते हैं आखिर चरण का मतदान फिर एनडीए होगा अंतर ध्यान, लौटेगा सुखचैन जब जलेगी लांटेन, ये इस तरह के शायरी का इस्तेमाल हुआ है। सबसे आखिर में तेजस्वी लिखते हैं कि लोकतंत्र में जनता की अदालत सबसे बड़ी होती है, उनका हर फैसला हमें मंजूर है, हम लड़ेंगे जीतेंगे और आगे बढ़ेंगे, लांटेन जलेगी अंधेरे डरेंगे, ऐसी अभिव्यक्ति मेरे स्वभाव में नहीं है, लेकिन आपके झूठ का जवाब देना ज़रूरी था। अंत में आपके लिए इतना ही कहता हूँ, वो समझदार समझाए जा रहे थे और हम समझे जा रहे थे, वो खुद ना समझे हमें समझाने के बाद भी, आपका तेजस्वी यादव। ये तेजस्वी की लंबी चौड़ी चिट्ठी है लालू यादव के बाद। लालू यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना छोटा भाई बोलते हुए एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी के जवाब में नीतीश कुमार ने चुनावी सभा में चिट्ठी पर हमला बोला, तो अब तेजस्वी यादव ने करीब करीब 1000 शब्दों की चिट्ठी लिखी है, उसमें कई शेर व शायरी है, हमला है, 1998 से लेकर के वर्तमान बिहार के तमाम तरह के सवाल पूछे गए हैं नीतीश कुमार से, उनके केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रहते हुए कार्यकाल में बिहार को क्या कुछ दिया, इन तमाम चीज़ों पर सवाल और जवाब मांगा गया है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।